सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं स्टार्ट कर दूंगा और अभी से कंटिन्यू रखूंगा, पर नहीं हो पाता मुझसे, बहुत सारी चीज़ों की वजह से नहीं हो पाता। कभी कभी मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा नहीं परेशान रहता हूँ, फिर भी नहीं बनाता। कभी कभी मैं बना लेता हूँ पर मैं उसे एडिट नहीं करता, तो हाँ यही सब होता है। तो चलो आज का व्लॉग बनाते हैं और दिखाते कि आज का दिन कैसा जाता है। वैसे तो मेरा दिन आजकल बहुत बोरिंग सा जाता है, पर हाँ अभी मुझे काम मिल रहे हैं कि कॉलेज वगैरह ढूंढना है, उसके लिए तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन वगैरह, तो हाँ वो करेंगे। और देखो इतने टाइम बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो अजीब लगेगा, पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो तो फिर चलते हैं यहाँ से। हलवा खा लिया है, हलवा खा लिया है सूजी का, ठीक है। और अभी चाय पीना बाकी है, उसके बाद मैं जाऊंगा थोड़ा सा योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, जो कि अब मैंने स्टार्ट कर दिया और मैं ये करूंगा। तो हाँ योगा मेडिटेशन वगैरह करूंगा। और मेरा घर बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिखरा बिखरा हो गया, देखो ये देखो कैसा लग रहा है सब कुछ, अजीब अजीब। तो शायद इससे पहले मेरी इमेज जो वो ब्लर आई हो। अभी मैं जाऊँगा योगा वगैरह करूँगा, उसके बाद मैं जाके अपने कॉलेज के लिए पता करूँगा। COET का फॉर्म मैंने डाला है, उसके लिए प्रिपरेशन करूँगा और आज के दिन को पूरा यूटिलाइज करूँगा। अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो बहुत सारा काम है, तो देखो अभी क्या कर पाता हूँ क्या नहीं। बट हाँ फ़ोन से थोड़ा दूर रहना, भैया ने मना किया है तो फ़ोन से दूर ही रहूँगा, पर इस सब काम के लिए तो फ़ोन का ज़रूरत है ही ना, तो फ़ोन थोड़ा तो यूज़ करूँगा ही। अभी चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद योगा करूँगा तो दिखाता हूँ। सो अभी अपनी चाय तो आ गई है और घर में दो मेहमान लोग थे, इस वजह से मैं नहीं हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ से बाहर चला आया। देखो मैं वही दिखाता हूँ जो रियल है, ठीक है। मैं ये नहीं दिखाता कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ या फिर मैं कितना जेन्युइन या फॉर्मल हूँ, भाई साहब देखो कि हाँ यू नो ये वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास। तो मैं बस इतना ही दिखाता हूँ कि हाँ मेरे पास जो है जैसा भी है, मेरी फैमिली कैसी है, मैं कैसा हूँ। फैमिली को तो मैं ज़्यादा दिखाता नहीं क्योंकि मैंने उन लोग की प्राइवेसी के लिए पूछा नहीं है, पर हाँ मैं अपने प्राइवेसी को दिखा सकता हूँ, एकदम पर्सनल चीज़ों को नहीं, पर हाँ मैं जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखाता हूँ और जो हूँ वही दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दिखाता। फालतू की बकवास बंद करूँगा, उसके आगे बढ़ता हूँ, अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। चलो तो सुनो, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही अजीब हूँ, मतलब मैं हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ। पर देखो बहुत पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ों की टेंशन है, ठीक है इसे साइड करते हैं। अभी हम अपना करेंगे योगा, और वैसे तो मैं कुछ करता नहीं पर जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मैं अच्छा खासा अपना अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो अभी करते हैं योगा करते हैं, ज़्यादा बकवास करूँगा तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे। वैसे तो कोई देखता नहीं है पर एक दो लोग शायद मुश्किल से देखें, उन्हें मैं बोर नहीं कर। तो देखो व्लॉग के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया है, मतलब कुछ 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड कर लिए हैं और कुछ 30-30 सेकंड कर लिए हैं। तो व्लॉग के लिए मैंने उतना बना लिया है और अभी मैं व्लॉगिंग बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसी एक्सरसाइज को कुछ टाइम ज़्यादा के लिए करूँगा ताकि इफेक्टिबल रहे। और हाँ अभी मैं पुशअप मारता हूँ। पुशअप करने में तो हालत ख़राब हो जाती है पर अच्छा भी लगता है कि देखो मैंने एकदम लूज पहन रखा है ताकि आसानी हो।
क्या फ़ायदा इतने बॉडी बनाने का जब अप्रिशिएट ही नहीं करता कोई। वैसे बॉडी बना नहीं रहा हूँ मैं, तो इतना पतला हूँ कि मुझे खुद भी शर्माती देखने में, पर हाँ मैं ठीक हूँ। पर ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म ही आती है अपनी बॉडी को लेकर। हाँ पर कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जब कुछ लोगों के साथ खड़े रहो तो ऐसा फील होता है कि हाँ हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं रोज़ पुशअप मारता हूँ पर अब नहीं होता तो मैं क्या करूँ। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ ना, एक्सरसाइज कर लिया मैंने, पर मैं तुम लोग को अभी अपना मसल्स दिखाता हूँ। वैसे तो मेरी बॉडी में सिर्फ हड्डियाँ हैं पर उन हाथ की जो हड्डियाँ ना इस पर थोड़े से मसल्स चल गए, इतने से चल गए, वो दिखाता हूँ। कैसे है ना, तो हाँ अभी मैं बंद करता हूँ, करूँगा एक्सरसाइज, करूँगा मेडिटेशन, करूँगा उसके बाद मैं रियाज़ कर लूँगा। हाँ अब से मैं रियाज़ भी करूँगा। भाई साहब मैं रियाज़ कैसे भूल जा रहा हूँ, रियाज़ करूँगा उसके बाद देखते हैं। इतने टाइम बात कर रहा हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सुबह अभी तो एक्सरसाइज हो गया है, मेडिटेशन भी हो गया है और ऑलमोस्ट नहीं सब कुछ हो ही गया है। और मैंने किया है सिर्फ 12 मिनट, पर हाँ मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा, धीरे धीरे होगा। और देखो मैंने रियाज़ अभी किया नहीं है क्योंकि रियाज़ ना करने के दो रीज़न्स हैं। पहला तो चाचा अभी घर पे ही हैं, वो डांटते नहीं पर उन्हें शायद बुरा ज़रूर लगता है, मतलब बुरा नहीं लगता, थोड़ा सा आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की, तो इसी वजह से। चाचा थोड़ी देर में चले जाएंगे तो जब मैं नहा लूँगा और हो सकता है कपड़े भी धो लूँ तो उसके बाद मैं रियाज़ करूँगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी मुझे और भी काम है, ऐसे कॉलेज वगैरह के बारे में पता करना है, तो वो काम मुझे अभी ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हैं। पर मैं रियाज़ को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे करूँगा थोड़े टाइम बाद। तो हाँ अभी चलते हैं, चल के देखते हैं। अभी तो या तो कपड़ा धुलेंगे या तो नहाएंगे और जो भी होगा दिखाएंगे, ठीक है जो भी होगा दिखाएंगे। राइमिंग अच्छी है, अच्छा मेरी बॉडी नहीं देखी थी तुमने, मैं ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। मजाक करूँ। हाँ ये देखो ये हड्डी दिख रहा है, हड्डी। मजाक कर रहा हूँ। तो हाँ अभी चलते हैं। और भाई सिर्फ 12 मिनट किया है, इतने में तो हालत ख़राब हो गया। चलो वैसे तुम लोग बताना ये मेरी जो दाढ़ी है और ये जो मूंछ है, मतलब मूंछ तो मेरी पता नहीं पर देखो ऐसे देख के बताओ तुम लोग, ये मैं दाढ़ी और मूंछ भी अच्छा रखता हूँ या बिना इनके, कमेंट में बताना या फिर मुझे पर्सनली बताना, ठीक है। हाँ तो चलो चलते हैं।